सोनी टीवी का मशहूर क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 की शानदार सफलता के बाद अमिताभ बच्चन का यह शो अब दर्शकों से विदा लेने जा रहा है। शार्क टैंक इंडिया शो अमिताभ बच्चन के केबीसी को रिप्लेस करने वाला है। शार्क टैंक इंडिया के रूप में सोनी टीवी एक नए कॉन्सेप्ट वाला रियलिटी शो लेकर आ रहा है, जिसमें कई नए भावी बिजनेसमैन को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। यह नया शो 20 दिसंबर यानी आने वाले सोमवार से शुरू होने जा रहा है। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन का आखिरी एपिसोड 17 दिसंबर को यानी इस शुक्रवार को ऑन एयर होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि यह हफ्ता अमिताभ बच्चन के शो का आखिरी हफ्ता होने वाला है। शो के मेकर्स ने भी शानदार तरीके से इस सीजन को अलविदा करने की प्लानिंग की है। इस प्लानिंग के चलते आम आदमियों के साथ चलने वाला सवाल और जवाबों का सिलसिला खत्म हो गया है। इस हफ्ते अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर काफी खास मेहमान विराजमान होने वाले हैं। हर दिन होगा शानदार। केबीसी के इस सीजन के हर शुक्रवार के एपिसोड में हमने शानदार शुक्रवार को सेलिब्रेट किया है। इस शानदार शुक्रवार में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने अमिताभ बच्चन के शो में शामिल होकर दर्शकों का मनोरंजन किया है। अब इस पूरे हफ्ते भी शानदार शुक्रवार की तरह ही हर दिन शानदार शुक्रिया मनाया जाएगा। हर दिन नए फिल्मी और टीवी सेलिब्रिटीज हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए और साथ साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। मिलिए नए शौक से। वहीं केबीसी को रिप्लेस करने वाले शार्क टैंक इंडिया की बात करें तो इस शो के पहले सीजन में विनीता सिंह सीईओ और शुगर कॉस्मेटिक्स की सह संस्थापक पीयूष बंसल, नविता थापर की कार्यकारी अश्नीर ग्रोवर, गजल अलग और अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल और शार्क की भूमिका में नजर आएंगे। ये शो बहुत ही मजेदार होने वाला है। शो के प्रमोशन के लिए शार्क केबीसी के मंच पे हिस्सा बन चुके हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।